हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं एक्सपीरियंस वीडियो 32। जी हाँ दोस्तों, हमने अपने स्टूडेंट से बात की है और उनसे एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया है। एक बार फिर से आपके लिए कुछ नया सीखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमने क्या किया है, जो इस बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी दिल्ली और कपूरथला में, उन बच्चों से हमने वापस एक बार बात की और उन बच्चों से जाना कि उनके अंदर ऐसा स्पेशल स्किल क्या है, वो ऐसा क्या प्रैक्टिस करते हैं, कैसे करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया। और हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप सभी को पता होगा कि 400-500 स्टूडेंट्स आते हैं और वहाँ से सिर्फ 10 से 12 स्टूडेंट जो हैं सेलेक्ट हो रहे हैं, बाकी के सभी स्टूडेंट जो हैं अनसेलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि वो फेल हो जा रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। तो ऐसा क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पास हुए स्टूडेंट्स करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, ताकि दोस्तों ये वीडियो आपको जो है ग्रुप सी वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उनका जो अभी स्टार्ट हो रहा है तो ग्रुप सी वालों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कैसे सीखना है और क्या क्या चीज़ें यहाँ से ऑब्जर्व करना है वो आप इस वीडियो के अंदर समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे कहूँगा, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि RPF से संबंधित जितने भी एक्सपीरियंस वीडियो है हम सब कुछ आपको जो है स्मार्ट नौकरी चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, जब भी कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म आता है, उस फॉर्म को कैसे भरना है से लेकर उस फॉर्म की कट ऑफ तक और उसके फाइनल रिजल्ट तक, हम सब कुछ जो है जानकारी इस वीडियो में इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको डॉक्यूमेंटेशन की। जी हाँ दोस्तों, हर चीज़ में कोई भी आप जब भी जाते हैं किसी भी ट्रेड टेस्ट के लिए कहीं पर भी, चाहे वो आसनसोल जा रहे हो, चाहे वो हावड़ा जा रहे हो, चाहे दिल्ली जा रहे हो, चाहे कपूरथला जा रहे हो, सबसे पहली चीज़ होती है आपको डॉक्यूमेंट। तो आपका डॉक्यूमेंट क्या तैयार होना चाहिए? जी हाँ, आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सबसे पहले चीज़ आपको एडमिट कार्ड सबसे ऊपर रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक सीरीज़ होता है, जो सीरीज़ मैं आपको काफ़ी स्टूडेंट्स को बताया कि जब भी आप कहीं पर भी DV के लिए जाते हैं या फिर ट्रेड टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो जो सीरीज़ होता है उसे कैसे अरेंज करना होता है, यानी कि आपको, आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, आपके पास मार्कशीट है, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो काफ़ी चीज़ें आपके पास है, तो कौन से सीरीज़ में कैसे लगाना है वो इंपॉर्टेंट होता है सीखना, क्योंकि आपका जो है फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है उससे पड़ता है कि आप डॉक्यूमेंट्स जो है सामने वाले के हाथ में देते हैं तो उसे पता चलता है कि आप कितने समझदार हैं और कितने जो है एक्सपीरियंस है आपके पास, अनुभव, कि आपको ये पता होना चाहिए कौन से सीरीज़ में डॉक्यूमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है एडमिट कार्ड। जी हाँ, आपको एडमिट कार्ड जो है सबसे पहले लगाना है जेरोक्स कॉपी उसका ऊपर। नंबर 2 पे आता है आपका ID कार्ड। जी हाँ दोस्तों, ID कार्ड वही होना चाहिए जिसमें आपका जो है डेट ऑफ बर्थ जो है उस आइडेंटिटी जो आपका एडमिट कार्ड है उससे मैच खाता हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले चीज़ ये चेक की जाती है। अब नंबर 3 पे आ जाते हैं, तो नंबर 3 पे क्या चीज़ होनी चाहिए, वो होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, आपका जाति प्रमाण पत्र अगर आपने अप्लाई किया है तो जाति प्रमाण पत्र लगा दीजिए कि आपने कौन सी कैटेगरी से अप्लाई किया, ताकि वो तुरंत ही अपने कॉलम में जो है आपको टिक कर दे कि आप इस कैटेगरी से आए हैं, उसका सर्टिफिकेट आपने दिखा दिया है। नंबर 4 पे आ जाते हैं कि अपना 10वीं और 12वीं जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, यानी कि इसको हम शॉर्ट में कहें तो एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप जो है वहाँ पे लगा दीजिए नंबर 4 की पोजीशन में। तो ये हो गए दोस्तों आपके जो है नंबर, जो सीरीज़ होता है डॉक्यूमेंटेशन का कैसे लगाना है। और दोस्तों, 2 बंच बनाइएगा, यानी कि आपको 2 कॉपी करना है जेरोक्स की, ऐसे बंच आपको 2 तैयार रखने होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि एक बंच हमेशा एडवांस में अपने पास ज़रूर रखिएगा, कभी भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपको जो है भागने की जरूरत ना पड़े एग्ज़ाम सेंटर पर कि आप यहाँ जाइए दुमाहा दौड़िए, आपके पास हमेशा जो है एक सेकंड का ऑप्शन, यानी कि हमेशा प्लान ए होता है तो हमारे पास प्लान बी भी होता है, तो इसीलिए हमारा जो है जेरोक्स कॉपी का अगर बंच ए है तो हमारे पास जेरोक्स कॉपी का बंच बी भी तैयार होना चाहिए। फोटो की बात करें तो फोटो में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है, तो फोटो में आपको 2 पासपोर्ट टाइप फोटो निकलवा लेना। जी हाँ दोस्तों, फोटो का आप ध्यान दीजिएगा कि वो आपको रीसेंट में होना चाहिए, अगर आप पुराना 6 महीने 4 महीने पहले का है तो वो बिल्कुल मत कीजिएगा, कभी भी रीसेंट की फ़ोटो लेके जाइए। एग्जामिनर क्या है वो देखता है कि आपने अपना फोटो जो है करंट का स्टेटस का लगाया है या फिर 2-4 साल 3 साल पुरानी फोटो आप लेके आ रहे हैं, बस उसे कलर प्रिंट कर लिए हैं, उसी को ही जेरॉक्स मार मार के आप लेके आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप हमेशा करंट फोटो निकलवाइए, 1 दिन 15 दिन 10 दिन पहले या 20 दिन पहले, आप जो भी है इतना तक चल जाता है दोस्तों, ज़्यादा पुरानी मत लेके जाइएगा। और अपना लुक जो है एकदम वियर्ड लुक वगैरह वैसा मत रखिएगा, एकदम प्लेन में भी जाइएगा, क्योंकि ट्रिम करवा लीजिए, क्योंकि आप जो है स्टूडेंट की हैसियत से जा रहे हैं, यानी कि आप एक नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो अपने जो पहनावा है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। दोस्तों, हमेशा जब भी आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाए या DVT के लिए जाए, तो सबसे पहले चीज़ होता है आप फॉर्मल में जाइए, जो आपका शूज़ है वो लेदर में रखिए, और उसके बाद आपका फॉर्मल पैंट होना चाहिए, शर्ट होना चाहिए, प्लेन शर्ट नहीं लेना दोस्तों, ज़्यादा चेक्स वगैरह नहीं लेना, कोई भी हो, प्लेन शर्ट हो, कोई भी कलर चाहिएगा, लाइट कलर हो तो ज़्यादा बेटर हो, लेकिन आपके जैसी पसंद हो, आपको कलर का जैसा भी चॉइस लगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप प्लेन शर्ट यूज़ कीजिए। प्लेन में हमेशा क्या होता है, डिसेंट लगते हैं आप और उसमें ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले के ऊपर। तो ये हो गया आपका
पैटर्न डीसी जिसे हम कहते हैं ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, ये हो गया आपका ड्रेसिंग सेंस की आपको इस प्रकार जो है आपका तैयारी के साथ जाना है। अब बात करते हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो ट्रेड टेस्ट में आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोगों ने काफ़ी जो है कमेंट किया, सर वाटर करियर के बाद आप हमें नेक्स्ट वीडियो कब दे रहे हैं बार्बर का वगैरह। तो दोस्तों उसका वीडियो भी अपलोड होने में समय लगेगा, कम से कम एक दो दिन का समय और जाएगा, और हम आपको जो है टोटली जो है सफाई वाला बार्बर और गार्डनर ये सब जो ट्रेड हैं उनके जो हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों, और हमने काफ़ी स्टूडेंट से बात भी की है। तो फिलहाल अभी जो है उसका प्रोसेस चल रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो दिन के अंदर आपको जो है दोस्तों उसका वीडियो मिल जाएगा। तो हम बात करेंगे आज भी वाटर करियर के बारे में। तो वाटर करियर में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ कि वहाँ पर आपको जो है एक टेबल होगा। जी हाँ दोस्तों, उस टेबल पर आपको क्या होगा, पहला चीज़ होगा मसाले रखे होंगे, दूसरी चीज़ होगी सब्जियाँ रखी होंगी। अब इन दोनों का क्या होगा, आपको नाम बताना होगा। जी हाँ दोस्तों, ओरल जिसे हम कहते हैं ना ओरल टेस्ट, तो ये ओरल टेस्ट हो रहा है आपका। यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि 20-20 बच्चों का जो है बैच बनाया जाता है, बैच 1, बैच 2, बैच 3 ऐसे आपका नाम दिया जाएगा, क्योंकि 450 स्टूडेंट्स आते हैं उनका एक साथ नहीं हो पाता, इसलिए बैच में डिवाइड किया जाता है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कोई बैच 1 में है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, बैच 19 में है तो उसे कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आप किसी भी बैच में हो, ये सिर्फ जस्ट नंबर ऑफ जो है सीरीज़ के हिसाब से दिया जा रहा है कि जो जैसे आ रहा है, मतलब अगर आप पहले विजिट कर दे रहे हैं तो आपको पहले बैच में आ जाएंगे आप, नंबर 2 थोड़ा लेट आ रहे हैं तो दूसरे में, तीसरे में ऐसे, चौथी पाँचवीं, तो लेकिन डिफरेंस किसी में नहीं होता। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा, काफ़ी लोगों के मन में ऐसा आता है कि सर जो पहले आता है उसका जो है ट्रेड टेस्ट पास हो जाता है, वो जो हम बाद में आते हैं वहाँ तक जाते हैं उनको नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं हो रहा दोस्तों। आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपने अच्छा काम किया है, आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है अच्छी तरीके से किया, तो आपका सिलेक्शन 101% होने वाला दोस्तों। और ग्रुप सी वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा चांस है, क्योंकि आपके पास जो है ग्रुप सी में वैकेंसी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो हम लोग अभी तक आंकड़ा 4 से 6 स्टूडेंट्स का था वो जो है जस्ट 15 के बीच में जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पर डे कम से कम 10 से 12 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है ग्रुप सी में, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यानी कि नंबर ऑफ सिलेक्शन का जो स्टूडेंट की संख्या वो भी बढ़ने वाली है। अगर आप महिला क्षेत्र से हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर महिला में जिन्होंने अप्लाई किया है तो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि महिलाओं को क्या है, अगर 4 से 5 ही स्टूडेंट्स जो है महिलाओं में आते हैं लेडीज़ में, और उनमें से जो है एक का तो सिलेक्शन 101% होना ही है, तो उनको भी बहुत अच्छा चांसेस है, क्योंकि ग्रुप सी में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं लेडीज़, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप 4 से 5 लोगों में एक दिन अगर आप विजिट करते हैं स्टेट सेटने पे, तो 5 में से 1 सिलेक्शन होना, तो आप समझ ही सकते हैं कितना अच्छा परसेंटेज है आपका सिलेक्शन का, तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये हो गया दोस्तों आपको ओरल टेस्ट के बारे में। अगर आप मसालों के नाम और सब्जियों के नाम सही तरीके से नहीं बता पाते, यानी कि जो स्टैंडर्ड नाम है, यानी जिस मसाले का नाम जो है स्टैंडर्ड, जैसे मसाला धनिया तो उसे धनिया ही कहते हैं, आपने कुछ और अगर अपने लोकल लैंग्वेज में बता दिया तो वो भी बहुत गलत हो जाएगा दोस्तों, इसलिए स्टैंडर्ड नाम कभी भी जानना चाहिए। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आप जाके एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें 80 प्रकार के मसाले भारत में पाए जाते हैं, और उन सभी का स्टैंडर्ड नाम विथ पिक्चर, जी हाँ दोस्तों, HD पिक्चर में आपको नाम के सहित जो है सब कुछ मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा मसाले का नाम क्या है स्टैंडर्ड में। तो ये चीज़ अगर आप पास कर लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट राउंड अगर आप क्लियर करते हैं तब जाके आप सेकेंड राउंड में जाएंगे। सेकेंड राउंड में आपको मिलता है समय 1 मिनट का, जी हाँ। तो पहला चीज़ आपको करना होता है आटा सानना होता है, जी हाँ। आपको आटा सानने के लिए क्या होगा, मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। 100 ग्राम जो है आपको आटा दिया जाएगा, एक कटोरी दी जाएगी, जी हाँ एक कटोरी दी जाएगी। अब आपको उसको जो है रोटी बनाने योग्य, कभी भी आटा सानने का अर्थ यहाँ पे ये होता है कि रोटी बनाने योग्य, यानी कि आप 1 मिनट में उस आटे को, 100 ग्राम जो आपको आटा दिया गया है उसको किस प्रकार गूंथते हैं कि उससे जो है रोटी बन जाएगी। आप उसी रोटी को फिर 1 मिनट के बाद जो है आपको बनाना है, और वो रोटी कैसी होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, जो गोल होनी चाहिए, चारों तरफ से पकी होनी चाहिए, और अच्छी तरह से फूली होनी चाहिए। आपको पता है ना रोटी कैसे फूलती है, ये सारी चीज़ें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप जो है करनी है, और आपको जो है फुला के रोटी जो है एग्जामिनर को दिखानी होगी। और दोस्तों सबसे दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ कि आपका जब काम हो जाता है, रोटी बन जाती है, फूल जाती है, तो आपको जो है लेके जाना नहीं अपने एग्जामिनर पास, कॉन्स्टेबल खुद आएगा आपके जो है डेस्क पर, वो आपका चेक करेगा अच्छी तरह से एग्जामिन करके, उसके बाद जो है आपको मार्क्स दिए जाते हैं कि आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं नहीं। अगर आप पास हो जाते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छे तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो जो स्टूडेंट पास हो जाता है उन्हें क्या करेगा, दूसरा काम दिया जाएगा। अब दूसरा काम क्या दिया जाएगा आपको, सब्जी बनाने के लिए। अब सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ तो आपको सब्जी काटनी होगी, तो सब्जी काटने के भी आपको मार्क्स मिल रहे हैं, यानी कि अगर लौकी की सब्जी है, भिंडी की सब्जी है, बैंगन की सब्जी है, पालक की सब्जी है, मेथी की सब्जी है, आप समझ सकते हैं कि कई प्रकार की सब्जी पाई जाती है। जो भी सब्जी आपको दिया है सबसे पहले मार्क्स आपको मिलना स्टार्ट होता है आपकी उसकी कटाई पर, जी आपको कैसे उसको साफ करते हैं, किस प्रकार से धोते हैं, किस प्रकार से काटते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सब्जी जो है पालक धोने काटने से पहले धोनी है, कौन सी सब्जी
काटने के बाद धोनी है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पे मेंशन नहीं की जाएगी, लेकिन आपका जो है एग्जामिन किया जाता है, कांस्टेबल वहाँ बैठ के आपको देखता रहता है कि आपने कौन सा स्टेप पहले लिया है, उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलता है। तो काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मार्क्स किस प्रकार दिए जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों मैं यही बता दूँ, यहाँ पर जो है हाइड एंड सीक वाला जो गेम होता है कि आपको बता दिया गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके स्टेप पर वहाँ पर मार्क्स मिल रहे हैं। जो स्टूडेंट जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, उनके मार्क्स जो जुड़ते जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, और बाद में ये सोचते हैं कि यार हमने भी सेम किया था, सब कुछ हमारा भी रोटी फुली थी, बट हमारा नहीं हुआ और सामने वाले का हो गया। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो कोई भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए, सभी चीज़ें अच्छे से करिएगा दोस्तों। तो सब्जी काट लिए, सब्जी बनाना दोस्तों, उसके बाद अगर आप जो है सेकेंड राउंड पार करने के बाद, थर्ड राउंड पार करने के बाद अगर फोर्थ राउंड में जाते हैं, यानी कि फोर्थ राउंड में आपको क्या किया जाएगा दोस्तों, चावल बनाने के लिए दे दिया जाएगा, या दाल बनाने के लिए दे दिया जाएगा, पकौड़े बनाने के लिए दे दिया जाएगा, इस प्रकार के कुछ भी एक काम और दिया जाएगा। दो से तीन काम करने के बाद आपका जो है सिलेक्शन पक्का कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वाटर करियर में आपको जो करनी होती है दोस्तों। और इसी प्रकार दोस्तों सभी को जो है बैच वाइज किया जाता है, किसी बैच को पहले रोटी बनवा दिया जाता है, किसी बैच को में आटा सानने को पहले करता है, किसी बैच में पहले सब्जी बनवाया जा रहा है, किसी बैच में पहले दाल बनवाई जा रही है। तो ये क्या है, बैच वाइज डिपेंड करता है कौन से बैच में कुछ भी पूछा जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपको फोकस करना है, फर्स्ट राउंड पर बहुत फोकस करना है आपको। 50% से ज़्यादा स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में क्लियर नहीं कर पा रहे। जी हाँ दोस्तों, मसालों के नाम नहीं बता पा रहे, उनमें दिक्कत ये है कि मसालों को सूंघने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ देखने और हाथ से टच करने की इजाज़त है। और आपको पता है खड़े मसाले बारीक मसाले इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं आपको, क्या सभी को ऐसी दिक्कत होती है कि अगर पीसा हुआ मसाला रखा है चार किस्म का, चार किस्म का, अगर आपको उसको सुनने की टेस्ट करने की इजाज़त ना दी जाए, सिर्फ देख के बताना, तो बहुत ही मुश्किल होता है सभी मसालों को अच्छी तरह से पहचानना। इसलिए दोस्तों आप मसालों की दुकान में जाइए, कोशिश कीजिए, थोड़ा सा वहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड कीजिए, दुकानदार से दोस्ती कर लीजिए, या फिर उसे बताइए कैसी सी बात है, वो आपको टाइम दे देंगे, आप 15-20 मिनट का समय लीजिए और आराम से जो है पूरा एग्जामिन कर लीजिए कौन से मसाले कैसे देखते हैं और क्या नाम है उनका। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो का आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और ये सारा एक्सपीरियंस दोस्तों हमारा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सपीरियंस है उन स्टूडेंट्स का जो सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी मुझबानी हमसे कही और हम आपको अपनी जबानी बता रहे हैं दोस्तों। तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, किस प्रकार जो है स्टूडेंट ने अपने अपने ट्रायल किए हैं, अपने घर पर प्रैक्टिस की है, और उन्होंने जो जो है मैंने आपको बताया ये शॉप वाला आइडिया दिया है दोस्तों, ये उनका ही आइडिया है कि उन्होंने बताया कि सर हम इस प्रकार हमने गए थे क्योंकि हमारे पहले वीडियो में हमने बताया था, और वही चीज़ें उन्होंने। तो दोस्तों हमारे पुराने वीडियोस को देखकर ही काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है ये आइडिया अपनाया और दुकान जाके जो है मसालों के नाम अच्छी तरह से एग्जामिन किया। कुछ लोगों ने क्या किया कि जो सब्जी के ठेले होते हैं वहाँ पर जाके हर सब्जी को देखा, कैसे क्या नाम है सबसे पूछा गया। इस प्रकार क्या होता है, आपको जो प्रैक्टिकली काम करते हैं वो काफ़ी कुछ जो है आपके दिमाग में छाप जा बन जाती है, और जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं या फिर टेस्ट के लिए आते हैं तो वो चीज़ें आपको हमेशा याद रिमेंबर रहती है, याद रहती है, याददाश्त आपकी हमेशा तेज़ रहती है उस टाइम पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, बट अगर कुछ डाउट रह गए तो आप वीडियो मुझे कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट का आंसर आपको जरूर देंगे। और साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने स्मार्ट वॉच को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी नई अपडेट के साथ।